हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विद मून। सो गाइस आज मैं आपका एक और चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आपके बुक मोमेंट्स में से जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ठीक है गाइस, इरसामा क्या है कि इरसामा एक जगह का नाम है जहाँ पे एक स्टॉर्म मतलब तूफान या फिर जो बारिश का आता है जब पूरा फ्लड मतलब पूरी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तब के बारे में आपका ये इंसिडेंट है और दैट इज़ अ रियल इंसिडेंट आई गेस जो मैंशनड है आपकी बुक मूमेंट्स में। सो गाइज ऑन 27 अक्टूबर 1999, तो ये डेट है जो आप लोग को याद करनी है एंड यू ऑल हैव टू पुट दिस ऑन इन योर आंसर्स। ठीक है, तो ये डेट आपको आपके आंसर्स में डालनी है। प्रशांत वेंट टू मैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लिव्ड इन इरसामा। प्रशांत एक आपका सबसे पहला कैरेक्टर है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके चारों तरफ ये चैप्टर रिवॉल्व हो रहा है। सो प्रशांत वेंट टू मैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लिव्ड इन इरसामा। प्रशांत अपने एक दोस्त से मिलने गया था जो कहाँ रहता था, इरसामा में रहता था। द प्लेस वॉज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज। प्रशांत की विलेज से मतलब जहाँ प्रशांत रहता था वो अपने दोस्त के घर गया तो उसकी दोस्त का घर कितना दूर था, 18 किलोमीटर्स दूर था। इन द इवनिंग अ सुपर साइक्लोन केम। शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम था और एक सुपर साइक्लोन आया था। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस विद ग्रेट फ्यूरी। विंड्स मतलब इतनी तेज हवा थी कि पूरे घर जो थे वो उनकी जो खिड़कियां थी दरवाजे थे वो सब ऐसे बैंग कर रहे थे और सब टूट रहे थे। देयर वर हैवी एंड कंटिन्यूस रेन। और फिर उसके बाद में मतलब पहले तो बहुत बड़ा तूफान आया और उसके बाद में कंटिन्यूस रेन होने लग गई मतलब बारिश होने लग गई। हाउसेस एंड पीपल वर वॉश्ड अवे अगेंस्ट फ्लड। और इतनी बाढ़ में जो लोग थे और जो सामान थे उनके जो घर थे वो सब पानी के अंदर बह गए थे। His friend's house was made of bricks and cement. उसके फ्रेंड का जो घर था वो किसका बना हुआ था, ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब वो इतना मजबूत मतलब एक तरीके से पक्का घर था। जैसे बाकी विलेज के अंदर जो कच्चे घर होते हैं आप लोग को पता ही है, तो ये किसका दोस्त का घर कैसा था, पक्का हाउस था। इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द विंड ब्लोइंग एट 350 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका जो घर था उसके दोस्त का वो इतना मजबूत था मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इस विंड को 350 किलोमीटर पर आवर पे जो विंड की स्पीड है जो चल रही है वो उसको सर्वाइव कर सकता है। बट वन अपरूटेड ट्री फेल ऑन देयर हाउस एंड डैमेज सम पार्ट ऑफ हिज रूफ एंड वॉल्स। ठीक है, लेकिन एक इतनी बड़ी ट्री थी जो प्रशांत के दोस्त के घर के ऊपर आके गिरी जिसने उसकी रूफ और वॉल्स को नुकसान पहुंचा दिया था। ठीक है, प्रशांत और उसके फ्रेंड सब लोग छत पे जाके बैठे थे, रूफ पे जाके बैठे थे जिससे वो लोग सुपर साइक्लोन सर्वाइव कर जाएं। फॉर द नेक्स्ट टू डेज प्रशांत सेट कडल्ड विथ हर फ्रेंड्स फैमिली ऑन द रूफ टॉप। दो दिन तक प्रशांत हडल्ड मतलब बिना हिले ढुले मतलब बिना कोई मूवमेंट करे अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ में ही ऊपर बैठा था। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड द रेन। वो लोग ठंड में मतलब उनके जो नीचे का घर था वो डैमेज हो चुका था ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, तो वो लोग छत पे जाके बैठे थे। इन द अर्ली मॉर्निंग प्रशांत सॉ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। सुबह के टाइम पे प्रशांत ने देखा कि अरे कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, पूरी तरफ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ नहीं था, सारे घर पानी के अंदर बह गए थे और जो जितने बड़े बड़े ट्रीज थे मतलब जितने बड़े बड़े पेड़ थे वो सब नीचे गिर गए थे। ब्लॉटेड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वर फ्लोटिंग एवरीवेयर। इंसान जो मर गए थे उस फ्लड के अंदर उनकी डेड बॉडीज और ऐसे एनिमल्स जिनकी डेड बॉडीज थी वो सब उधर पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी, तो मतलब बहुत ही गंदा सीन था। आगे द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द साइक्लोन एंड द वेव्स ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स। कितने टाइम तक ये सुपर साइक्लोन या तेज बारिश चली थी, 36 आवर्स तक। यू हैव टू लर्न इट मतलब बस याद ही रखना है आपको। हर चैप्टर में से बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आपका कोई आंसर आ रहा है, आपका क्वेश्चन बिल्ड हो रहा है और आप उसके अंदर उस आंसर के अंदर वो चीज़ें लिख रहे हैं तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है,
2 days later, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was worried about his family. अब जब प्रशांत अपने दोस्त के घर था और वह इस तरीके से फंस गया था, तो उसके दिमाग में एक ही टेंशन थी कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जो मेरा घर है, वहाँ पे क्या हालत हुई होगी इस बारिश के कारण। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी, मुझे वापस घर जाना चाहिए अब जब बारिश रुक गई है। उसने एक लॉन्ग स्टिक उठाई, एक लंबी सी उसने स्टिक ली और उसके बाद उसने अपनी 18 किलोमीटर्स की जर्नी चालू कर दी। ही हैड टू यूज अ स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको उसकी स्टिक को यूज़ करना पड़ा जिससे वो रोड को लोकेट कर सके। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड द प्रोग्रेस वॉज स्लो समटाइम्स, ठीक है, कुछ टाइम पे से जो बीच में खड्डे आते हैं रोड पे, जो नाली वाली होती है, तो वो पानी है इतना ज़्यादा भरा हुआ, तो वो लोकेट नहीं कर सकता। तो थ्रू द स्टिक, मतलब उस स्टिक की मदद से उसने वो चीज़ें वहाँ पे लोकेट करी। कहीं कहीं पे पानी बहुत डीप था तो उसको पता चलता, अच्छा मुझे कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे पैर नहीं रखना, ठीक है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उसके बाद थोड़े डिस्टेंस चलने के बाद उसको उसके दो फ्रेंड्स मिलते हैं ऑफ हिज अंकल। ही फाउंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, और उनको वो मिलते हैं और वो तीनों जने, प्रशांत और वो दो जने उसके फ्रेंड्स, वो लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। They had to push away many human bodies floating on the water. जब वो लोग अपनी जर्नी डिसाइड, मतलब जर्नी पे थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें रास्ते से हटानी पड़ी, जैसे डेड बॉडीज, कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स, कैटल। कारकेसेस मतलब जो लोगों के, मतलब डेड बॉडीज को ही बोला गया है, तो आप इसके अंदर अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने आंसर के अंदर यूज़ करना, और ये सब चीज़ें ही आपको लिखनी है। In every village they passed, they could barely see a house standing. जितनी villages उनके रास्ते के बीच में पड़ रही थी, वो लोग एक village भी ऐसे नहीं थे जहाँ पे वो सारे घरों को सही से देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। He feared that his family could not survive the cyclone. उसको ये चीज़ का डर था कि उसकी family ने शायद ये super cyclone survive नहीं किया होगा। At last he reached his village Kalikoda. Last में उसने अपनी विलेज रीच करी जो उसकी विलेज थी कालीकुदा। His heart sank. ठीक है, आपको उसकी विलेज का नाम पता पड़ गया, उसके दोस्त की विलेज का नाम इरसामा। तो ये दो अलग अलग विलेजेस हैं, ठीक है। His heart sank. उसका दिल, मतलब बहुत ज़्यादा उसको देख के बहुत दुख हुआ कि अरे ये क्या हो गया है। His house was gone, his family was nowhere. ठीक है, उसकी फैमिली कहीं नहीं थी, उसका हाउस भी उसको नहीं दिखा। In order to locate, look for his family, Prashant went to the Red Cross shelter. Prashant कहाँ गया था? Red Cross shelter में। ये Red Cross shelter क्या है बच्चों? Red Cross shelter एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे विलेज वाले इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उनके सारे घर सब कुछ तहस नहस हो गया था। Fortunately, his family was alive. जब वो शेल्टर के वहाँ पे पहुँचा, उसने देखा अरे मेरी फैमिली अलाइव है। They were very glad to see Prashant. और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे प्रशांत को देख के। He came to know that 86 lives were lost in his village and all the 96 houses had been washed away. उसको ये चीज़ पता पड़ी कि 86 lives lost हो चुकी थी, मतलब लोग मर गए थे, 86 पीपल वो डेड, एंड ऑल द 96 हाउसेस, जो जितने भी घर थे, टोटल 96 घर थे, वो सब वॉश्ड अवे, मतलब एक भी घर नहीं बचा था। दिस इज द थिंग यू हैव टू लर्न ऑल्सो, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द साइक्लोन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इन प्रशांत विलेज, साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा लॉस और डैमेज करा था। प्रशांत डिसाइडेड टू हेल्प हिज ओन फैमिली एंड द अदर्स, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अब खुद एक इनिशिएटिव लेगा, एक स्टैंड लेगा उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के लिए। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ, यूथ क्या होता है बच्चों? ऐसी एज जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक होते हो, आप काम कर सकते हो। दे प्रेशराइज अ लोकल मर्चेंट टू गिव राइस टूवर्ड द स्टार्विंग विलेजेस, जो राशन की दुकानें होती है, उन्होंने उस दुकान वालों से बोला कि आप हमें फ्री में खाना दो, हम सबको खिलाएंगे। उन्होंने उसको प्रेशराइज किया। दे बर्न द फायर एंड कुक द राइस, ठीक है, उन्होंने फायर जलाई और राइस को कुक करा। ऑल दो इट वॉज रोटिंग, मतलब वो चावल खराब हो गए थे इतनी बारिश और उसके कारण, ठीक है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने खाया और वो उनको काफ़ी टाइम बाद खाना मिला था। हिज नेक्स्ट स्टेप वॉज टू क्लीन द प्लेस ऑफ फ्लिट डर्ट यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज। नेक्स्ट स्टेप जो प्रशांत ने लिया कि उसने कहा कि मैं साफ सफाई करूंगा, मुझे सफाई, मतलब तुम लोग मेरी हेल्प करो,
हम लोग साथ में मिलके सफाई करेंगे, ठीक है। उसने फ्लिथ मतलब सारी गंदगी, डर्ट, यूरिन, फ्लोटिंग डेड बॉडीज को साइट किया। दे टेंड द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। जो लोग घायल हो गए थे, जो इंजर्ड हो गए थे उस साइक्लोन के कारण, उन लोगों ने उसको उनको फ्रैक्चर्स और उनके वुंड्स को ठीक किया, ठीक है, उनके जख्म उनके फ्रैक्चर्स को ठीक किया। ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फूड बट इट डिड नॉट रिटर्न। प्रशांत एंड अदर डिवाइज्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। अब फिफ्थ डे पे मतलब इस सुपर साइक्लोन के पांचवें दिन मतलब आफ्टर फाइव डेज एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है जिसने उनको खाना ड्रॉप किया, बट वो फिर से वापस नहीं आया। सो प्रशांत ने एक प्लान बनाया कि हम इसका अटेंशन किस तरीके से अपनी तरफ ला सकते हैं। सो उन लोगों ने क्या किया, द डेब्यूट चाइल्ड ले देयर विथ एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, ठीक है। उन्होंने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए छोटे बच्चे जो थे वो लोग जमीन पे लेट गए थे और उनके ऊपर क्या पड़े हुए थे, एम्प्टी यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन जो होते हैं आपके वो। दिस वॉज डन टू कम्युनिकेट टू द हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। ये चीज़ उनको बताने के लिए थी, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए थी कि हमें बहुत भूख लग रही है। द स्कीम वर्क एंड द हेलीकॉप्टर स्टार्ट ड्रॉपिंग फूड रेगुलरली। उनकी ये स्कीम काम कर गई और हेलीकॉप्टर ने रोज आके उनको खाना ड्रॉप करना चालू कर दिया। प्रशांत ब्रॉट द ऑर्फेन चाइल्ड एंड मेड अ शेल्टर फॉर देम। ही आस्क्ड द वुमन टू लुक आफ्टर देम बट ही फाउंड दैट वुमन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। ठीक है, औरतों को और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दुख था क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। तो उसने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रीफ में जाती जा रही हैं। ठीक है, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ही engaged अदर volunteers टू हेल्प widows स्टार्ट their lives अगेन। प्रशांत ने एक खुद की ऑर्फनेज खोली जिससे वो वुमेन्स को और बच्चों को थोड़ा सा बिजी रख सके, जिससे वो इस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचे। द ऑर्फन चाइल्ड वर रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। ठीक है, उन्होंने सारे बच्चे जो भी ऑर्फन हो गए थे, जिनकी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, नाउ वो लोग अनाथ हो गए थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, उन सबको एक जगह पे रखा और उसकी हेल्प के लिए मतलब जो ऐसी वुमेंस थी जो विडो हो गई थी, ठीक है, ऐसी वुमेंस जो विडो हो गई थी, उन्होंने उस प्रशांत ने उनको क्या बोला कि आप इन सब बच्चों का ध्यान रखो। दो सिक्स मंथ हैव पास इन द साइक्लोन। तो मतलब बेसिकली गाइस, प्रशांत ने बहुत ज़्यादा मदद करी सबकी कि वो लाइफ को अपनी लाइफ को वापस से रिस्टोर कर सकें। उसने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खोली जिससे वो इन सब की हेल्प कर सके। तो वुमेन को वो इंगेज करता था खाना पीना बनाने में, छोटे बच्चों को वो बिजी रखता था क्रिकेट और अदर गेम्स ऑर्गेनाइज करा के उनको खिलाने में, जिससे उनका ग्रीफ उनका दुख कम हो सके। सिक्स मंथ हैड पास, 6 महीने बीत चुके थे सिंस द साइक्लोन कॉज्ड अ हैवी डिस्ट्रक्शन। साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। द विडोज एंड ऑर्फन चाइल्ड ऑफ द विलेज स्टिल सीक प्रशांत इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड नीड। ठीक है, और अभी भी जब वहाँ पे वुमेन्स को या बच्चों को कोई सैडनेस होती है, कोई दुख होता है, तो वॉट दे सीक फॉर प्रशांत, मतलब वो किसको ढूंढते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, प्रशांत को। सो गाइज, प्रशांत बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और मतलब आपके कैरेक्टर स्केच तो आते नहीं हैं बेसिकली, लेकिन इस क्वेश्चन पे उसने किस तरीके मतलब इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन ज़रूर बिल्ड हो सकता है कि उसने किस तरीके से मदद की थी अपनी विलेज की। ठीक है, तो आपको ये पूरा पूरा एक अच्छा आंसर फ्रेम करके लिख के आना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी नए वर्ड्स थे, आप सैडनेस नहीं लिखोगे, आप ग्रीफ लिखोगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर्स के अंदर नए नए शब्द को यूज़ करो, ठीक है, जिससे आपकी टीचर के सामने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो। सो गाइज, दिस वॉज अ चैप्टर वेदरिंग द स्ट्रॉम इन इरसामा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।